थोड़ा आप बात कर सकते हो जीडीसी के बारे में टू द ऑडियंस जो जानना चाहेंगे अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस एज अ होल, एंड वहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम ऑडियंस, एंड वहां पे बेसिकली आपका टारगेट क्या है टू शोकेस द गेम एट जीडीसी? तो हम एक्चुअली दो चीज के लिए जा रहे हैं। एक तो जीडीसी सैन फ्रांसिस्को में चल रही है जो मार्च 18 से लेकर 22 तक, और सेकंड है पैक्स वेस्ट जो बॉस्टन में होने वाली है जो 21 से लेकर 24 तक। एक्चुअली हमारा फीडबैक ये है, हम लोग पहली बार जा रहे हैं जीडीसी को, इसके पहले हम लोग गए नहीं थे। इसके पहले हम लोग गेम्स कॉम एशिया सिंगापुर ये सब गए थे, लेकिन पहली बार हम लोग जीडीसी जा रहे हैं। तो हमारा जीडीसी में हमारा प्राइमरी टारगेट है कि इस गेम को यूएस में और यूरोप में मार्केट करने के लिए पब्लिशर की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में एटलीस्ट हम लोग खुद मार्केट कर सकते हैं, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री लेके जाना पड़ेगा, यूएस में और यूरोप में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ के पब्लिशर की जरूरत पड़ेगी। तो जीडीसी में हमारे प्राइमरी टारगेट ये है कि वहाँ के पब्लिशर्स को ढूंढने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि ऐसी गेम है बना रहे हैं, और ये अल्फा स्टेज में भी है और अगले 1 साल में बीटा स्टेज पे हम लोग जा सकते हैं, तो उसके बारे में दिखाने के लिए। और ऊपर से वहां पे इतना अच्छे मतलब ग्लोबल लेवल का डेवलपर सब लोग आने वाले हैं, तो उनका जो फीडबैक है, इवन आईजीडीसी इंडिया में ही हम लोग को बहुत अच्छी फीडबैक मिली। एटलीस्ट 200 लोग हमारे गेम प्रोटोटाइप को खेल रहे थे, उनसे बहुत अच्छी फीडबैक मिली। वो ग्लोबल लेवल पे वो फीडबैक मिलने वाली है, बड़े बड़े स्टूडियो से जो काम करने वाले हैं डेवलपर्स होंगे वो आएंगे गेम के लिए टेस्ट करेंगे, तो उस फीडबैक के लिए भी हम लोग एक्चुअली इंतजार वेट कर रहे थे। पैक्स वेस्ट हमने सुना है था कि वो बहुत B2C कस्टमर सेंट्रिक होने वाली है, कंज्यूमर सेंट्रिक होने वाली है, तो उसके हिसाब से वहां पे हम लोग पैक्स वेस्ट में तो देखने के लिए ई स्पोर्ट्स के, तो ऑब्वियसली मोबा गेम है तो ई स्पोर्ट्स इज द वन ऑफ द मेन कंसिडरेशन फॉर अस, तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप्स ढूंढने के लिए, सही तरह लोग ढूंढने के लिए, तो वो ऑब्जेक्टिव होगा।